साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा है तो ठीक है, मैं भी इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत आता है टेक्निकल वर्ड्स में तो बताएं। साइंस एंड टेक वैसे तो ये एक सेक्शन है छोटा सा, जिसमें से दो क्वेश्चन पहले आता था लगभग। कितने नंबर का होता है ये? कितना? 72। तो पहला क्लास ओरिएंटेशन लेक्चर किन्होंने अटेंड नहीं किए थे, क्योंकि फैमिलियर फेसेस हैं यहाँ पर, आपने नहीं किए थे, बाकी सब किए थे, ऑनलाइन किए थे? अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर चूंकि ये मेंस बैच है, यहाँ पर हम लोग फाउंडेशन की तरह पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे सारे टॉपिक्स को, टू द टॉपिक बाय टॉपिक, वर्ड बाय वर्ड नहीं बताएंगे। हम लोग आंसर राइटिंग में फोकस करेंगे। हम लोग का फोकस रहेगा कि उन सारे क्वेश्चंस को कवर करें जिसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने का, और ये ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप लोग मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कम्फर्टेबली अगर आप लेक्चर के साथ जाएँ, 10 से 12, मैक्सिमम 15 लेक्चर्स तक होगा, उस 15 लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों ही पार्ट, चाहे वो 5 क्वेश्चन, 72 नंबर हम लोग के पढ़ाए हुए क्लास में से आए, उसमें से क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी हम क्लास में देखेंगे। तो कुछ डायनामिक टॉपिक्स का अभी हम लोग क्लास, अभी प्रम आईएएस ने एक मैगजीन तैयार किया है, तो वो अभी बनने के क्रम में है। एक बार हम दिखा देते हैं कि उसका अभी अभी का स्टेज क्या है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया था, जे जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उन सारे डायनामिक टॉपिक्स पे, मतलब कि जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन पे ये पीडीएफ तैयार किया गया है जो अभी बन रहा है। तो इसमें चंद्रयान 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने का चांस ज़्यादा है। फिर इसके बाद आएगा आपका, सब टॉपिक्स है कुछ, चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1। इसमें इसमें देखिए कि यहाँ पर पूरा डिटेल में ये लोग ने कवर किया है, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या होगा चंद्रयान 3 के बाद, वे फॉरवर्ड क्या है, फिर गगनयान। तो कुछ मतलब 11-12 टॉपिक्स हैं जो कि जिस पे अभी तक ये तैयार किया गया, होलिस्टिकली कवर नहीं हुआ है। हम लोग 67th में पूरा स्टैटिक पार्ट भी लिए थे, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, बताएंगे, बात करेंगे उस पर। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का पहले हम लोग स्टैटिक कवर कर लेंगे कि उसमें लॉन्च व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं, ऑर्बिट्स कितने टाइप के होते हैं, सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, इसरो कब बना था, इसरो बनाने के पीछे का हिस्ट्री क्या है, और आज आज की अवस्था क्या है, कि आज इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी पहलू को हम लोग आंसर के क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए क्या हमको फॉर्डर चाहिए, और कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये मटेरियल है जो कि बन रहा है, ठीक है, ये आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक के अंदर मिल जाना चाहिए। तो आधा से ज़्यादा बना हुआ है, जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर, निसार, गूगल बार्ड, ChatGPT, AI, 5G, क्वांटम कंप्यूटर्स। अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पर मुकेश जी से वो बात कर सकते हैं, एक बार वो पीडीएफ आपको दिखा देंगे कि क्या क्या है। अगर इसके अलावा कुछ टॉपिक्स आपको लगता है कि और कवर करना है डायनामिक में, मतलब करंट में, तो वो आप फीडबैक दे दें, ताकि उस हिसाब से हम लोग अभी अपडेट कर देंगे, क्योंकि एक बार मॉड्यूल आ जाता है तो फिर चीज़ों को क्लास में हम जितना दे पाएंगे वो सामने सामने, तो बेटर है कि आप लोग को अगर कोई सजेशन है कि क्लास नोट्स मॉड्यूल में आ जाना चाहिए, तो वो फीडबैक दे दें। इसको बंद कीजिए आप। अच्छा ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, इसका हो गया। एक बार मुकेश जी कोई देखना चाहें तो पीडीएफ दिखा दीजिए कि ये सब टॉपिक्स है, बाकी अगर कुछ नया टॉपिक ऐड होना होगा देख लेंगे। हम लोग ने कोशिश किया कि जितना भी इम्पोर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक्स था, सब आज सब सबके ऊपर मटेरियल ऑलरेडी रेडी हो चुका है। फिर भी अगेन योर फीडबैक।
अब आज का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हाँ हाँ, इंडेक्स शेयर कर दीजिएगा, सही बात है। आप इंडेक्स शेयर कर, या अगर क्लास के एंड तक में हो पाएगा ना तो फिर शेयर कर दीजिए, उसी में एक लग जाएगा। मैंने भेजा था वैसे उसको। एक क्लास आप अगर यहाँ पे रहेंगे ठीक रहेगा, एक क्लास होने दीजिए। अच्छा हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो पे डिस्कस करेंगे कि ये जो अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। और इसको कोई भी आप प्रिपरेशन करें, चाहे पॉलिटी पढ़े चाहे ज्योग्राफी पढ़े, ध्यान रखिएगा कि उसको अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसे का टॉपिक बनता है तो उस डेटा को कैसे यूज़ करना है। जैसे आज का टॉपिक स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कोई भी जनरल ऐसे, जैसे आपका लास्ट ईयर ऐसे का पेपर था, देख रहा था, तो सेक्शन 2 था उसमें, वो काफ़ी फैक्चुअल GS/GK के वाला था, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था। तो उन जब और आएगा ही, आपका 3 सेक्शन है, 3 ऐसे लिखना है, तो उसमें कई सारा ऐसा टॉपिक्स आएगा जो कि GK/GS वाले पेपर से निकल के रहेगा। तो आपको अपने इसी सब इंफॉर्मेशन को आना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि पूरा पूरा एक ऐसे भरपूर लिख सकते हो यहाँ से उठा के। तो एक क्वेश्चन बनता है इस पर, क्वेश्चन ये है, पहले आप लिख लीजिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छाए, विज्ञान के बिना धर्म अनहर छाए। आइए, किसी ने देखा है पिछले साल का BPSC का पेपर, उसमें था ये क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन है एथिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर आपको कीवर्ड पे जाना है, कीवर्ड से डिड्यूस करना है कि हमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छाए, कोई समझाइए का क्या मतलब हुआ। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, ठीक है, वो आप इसको इसका दूसरा पहलू ये बताएं, दूसरा हिंदीकरण बताएं। हाँ और दोनों वर्ड, दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, विज्ञान के बिना धर्म अनहर छाए, धर्म के बिना विज्ञान अनहर छाए। तो यहाँ पे दो कीवर्ड है, पॉलिटिक्स, दो कीवर्ड है, धर्म रिलीजन और विज्ञान साइंस। तो आपको रिलीजन और साइंस के बीच का रिलेशन के बारे में एक ऐसे लिखना है जो कि 700 से 800 वर्ड्स में होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, क्या क्या हम लोग इस चीज़ को रिलीजन और साइंस को मिला सकते हैं, इस पर आप लोग के माइंड में क्या क्या पॉइंट्स बनता है, आप बताइए। तो देखिए, ऐसे ऐसा टॉपिक है ना, इसमें कि आप तैयारी कर लो, आपके पास पॉइंट्स आ जाएगा, बट जो आपको लिखना होगा ना वो आपका अपना थॉट्स होगा, अपना बिलीफ सिस्टम होगा, इतने सालों से जो आपके अंदर बिलीफ बना है, जो आपका आइडियाज़ क्रिएट हुआ है, उसी के बेसिस पे आप लिखेंगे। तो आज जो आप इंट्यूशन से आज ऐसे लिखेंगे ना, वही ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आप लास्ट में लिखेंगे तो भी आप उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, बट हाँ उसके लिए आप भले फॉर्डर इकट्ठा कर लेंगे। तो हम लोग हर क्लास में कोशिश करेंगे कि एक ऐसे का टॉपिक को लेके चलें जो कि मोस्ट वो ऐसे में भी बन सके और इसमें भी। तो ये लास्ट ईयर का टॉपिक है, इसको हम लोग इस क्लास में तो मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में फाइनल करेंगे, फाइनल टच देंगे। एक दूसरा टॉपिक है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महाशक्ति बनने की संभावनाएं एवं चुनौतियां। बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, साइंस एंड रोल ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट इन इंडियाज डेवलपमेंट, रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो इन्हीं सब से अभी आप लोग भी ऐसे देख रहे होंगे हर जगह पर, जहाँ जहाँ भी आप लोग ऐसे के लिए प्रिपेरेशन कर रहे हैं ना अलग से, ऐसे के लिए आप लोग क्या, आप लोग का क्या है उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, बताइए मैडम आप।
मतलब है कि लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा है अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग पोर्टल पर, जिसमें कि लोगों को पता है कि ऐसे क्या होता है, कैसे लिखना है। ठीक है, आप बताइए सर कि कुछ भी, कि अगर आज एक टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल इसी पे ऐसे लिखना हो या इसी पे, ये देखिए ऐसे कुछ कुछ और नहीं, आपका नॉर्मल क्वेश्चन वो जीएस का भी हो सकता है, और वही नॉर्मल क्वेश्चन अगर ऐसे के रूप में आ जाए तो उसको 700 से 800 वर्ड्स में लिखना हो, अंतर ये है एक तरफ आपको 400 लिखना है, एक तरफ 800 लिखना है, दोनों में पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ऐसे में सही गलत कुछ नहीं होता, बस पर्सपेक्टिव होता है, आपको लिखते जाना है, फैक्ट्स के साथ साथ अपना फिलॉसफी लगाना है, समाज की, समाज से उदाहरण उठा के डालना है, अपने डेली लाइफ से आपके एग्जांपल्स उठा के डालना है, वो हुआ ऐसे। और जो क्वेश्चन आंसर होता है वो उसमें आपको स्पेसिफिकली फैक्ट्स पूछा जाता है, और अगर कहीं किसी में आपका ओपिनियन पूछा जाएगा तो वो ओपिनियन आपका खुद का नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके क्या मेजर्स हैं भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए, तो वो आपके मेजर्स नहीं होंगे, वो आपको नीति आयोग का रिपोर्ट उठा के लेना है, या आपको वित्त विभाग बिहार सरकार का अगर कोई रिकमेंडेशन है वो उठा के लेना है, तो दोनों में अंतर आ जाए। बट अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो वो आपसे पूछेगा, आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आज का पूरा सेशन को मोटा मोटी चलाएंगे। तो टॉपिक है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महाशक्ति बनने की संभावनाएं एवं चुनौतियां, इंग्लिश में प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, इफ़ एनीवन वांट्स टू राइट नोट इट डाउन देन यू कैन नोट इट डाउन, वी विल आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस होल लेक्चर। ओके, सो इट्स बेटर टू प्लीज राइट इट डाउन सो दैट वी कैन प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑन दिस। Prospects and challenges of India becoming a superpower in the space sector. ठीक है, तो ये वैसे लास्ट में था बट ठीक है, हम लोग इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो ये पूरा लेक्चर स्पेस पे होना है, हम लोग मैं आप लोग से पूछता हूँ कि क्या सीधा हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें या ऐसे का कुछ बेसिक्स बताएं, कुछ तरीका बताएं, या हम लोग स्पेस पे मूव करें? ऐसे स्पेस ऐसे का, ठीक है मैं अपने क्लास से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ऐसे का जो भी होगा वो आपको वहाँ से पता चलेगा, क्लास होगा, क्लास तो डेफिनेटली होगा बट उसका मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं बस अब चूँकि मेरे टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो वो आपको आना चाहिए। ओके फाइन, तो ऐसे में ऐसे का जो होता है स्ट्रक्चर, ओके जी बोर्ड कैसे आता है, बोर्ड कैसे आता है, मैं लास्ट ईयर का पेपर देख रहा था 68 वाला, उसमें मैक्सिमम ऐसे जो था वो एथिकल या फिलोसफिकल था। ठीक है, आप सभी में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो लोग जानते होंगे कि ये जो टॉपिक है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो अप्रोच होता है, एक टाइमलाइन अप्रोच होता है। जैसे कि अभी क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन पहला वाला, धर्म के बिना विज्ञान अंदर छाय नांगर छाय, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छाय, व्हाटएवर,
तो यहाँ पर आपका रिलीजन है और दूसरा साइंस है। एट फर्स्ट इंस्टेंस दो कीवर्ड है। अब अगर मुझे बस पता है कि टाइमलाइन अप्रोच, टाइमलाइन मतलब हम लोग पास्ट में देखेंगे, हम लोग प्रेजेंट में देखेंगे और हम लोग फ्यूचर उस हिसाब से बता सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड होगा। पास्ट आपका सारे एग्जाम्पल से भरा पड़ा होगा, प्रेजेंट आपका करंट सिचुएशन, और ये फ्यूचर वे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, वे फॉरवर्ड आपका कंक्लूजन हो जाएगा। पहली बात तो ऐसे को तीन पैरा में लिखना है, वो तो तीन मोटा मोटा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। जैसा हम लोग का जीएस का आंसर राइटिंग होता है उसी हिसाब से ये भी होगा। इंट्रोडक्शन में आपको इसी टॉपिक को एलाबोरेट करना है। कुछ नहीं समझ में आए तो कीवर्ड को ब्रेक कर दीजिए कि रिलीजन और साइंस के बारे में रिलेशन की बात कर रहा है। कोई अगर कोटेशन है इससे रिलेटेड तो वो कोट कर दीजिए, ठीक है, और नहीं तो इन दोनों के रिलेशन को आप बता दीजिए और इंट्रोडक्शन ख़त्म कीजिए। बॉडी जो होगा टाइमलाइन अप्रोच में क्या होगा, हम लोग रिलीजन और साइंस का रिलेशन देखते जाएंगे पुराने काल से, इंडियन परस्पेक्टिव। पहले तो एंशेंट में जाएंगे, फिर मेडिवल में जाएंगे, फिर मॉडर्न में जाएंगे। एंशेंट में जाएंगे तो आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन में क्या रोल था रिलीजन और साइंस का, क्या घरों में, क्या उस टाइम पे रिलीजन लोग जो फॉलो करते थे क्या वो समाज में मुखर रूप से आज का जिस जैसा स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से था या भिन्न था, तो क्या था बताइए। अगर इंदस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे तो आप देखे होंगे, आप लोग ने पढ़े होंगे कि वहाँ पे रिलीजन एक प्राइवेट मैटर था। लोग अपने घरों में एक कोने में वो जो भी करना होता था उनका इंडिविजुअल सब्जेक्ट था, उस स्टेट का उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले हम लोगों को, वहाँ पर कोई देवी देवता का था, बट घर में हर एक घर में एक डेडिकेटेड एरिया होता था और उसी के अंदर उनका जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम होता, सब अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। उसमें ये नहीं बोला जा सकता है कि एक ही रिलीजन सब पे हावी था। तो एक वो टाइम था, अगर आप बहुत पीछे चले जाओ तो वहाँ पर रिलीजन था। और साइंस आर्किटेक्चर, तो साइंस का मतलब क्या हो गया, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छाए। हाँ अच्छा, आज के टाइम में हम लोग क्या रिलीजन को यूज़ करते हैं डेली डेली लाइफ में? आज भी आप लोग घर बनाने जाते होंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। हम सभी के घर में किचन एक एक ही डायरेक्शन में होता है, फिर पूजा घर भी जो है एक को एक एक पर्टिकुलर लोकेशन में होता है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी जो है ना वो इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, दोनों का मिक्सचर है। एस्ट्रोनॉमी का जितना प्रभुत्व होगा और जितना उसका डेली या सोसाइटी पर जितना असर होगा, वही आपको उसी चीज़ को आपको व्यक्त करना है। टर्किश सोसाइटी में एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल है, और मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा रोल है। इंडियन सोसाइटी में डिपेंड करता है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में आप देख ही रहे हैं कि एक पार्टिकुलर पार्टी वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है इन सभी चीज़ों से, रिलीजन से। जैसे
हाँ, धर्म को रिलीजन में सीधा सीधे क्रूड, वो क्रूड मैनर ऑफ ये हो जाएगा, तो वो करना ठीक नहीं है। आप सही बोले, वो आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है, बिल्कुल सही बोले। वहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग को आप एक बार फिर से बता दीजिए कि, हाँ बोलिए। धर्म को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो एथिकल मॉरलिटी से इक्वेट कर रहे हैं, कि ये क्या बोला जाता है, ये हर एक इंसान का अपना इंडिविजुअल मॉरलिटी है। अगर एथिकल मॉरलिटी को हम लोग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देखें तो हर एक, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हाँ, तो तभी वो ये सब कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एथिकल मॉरलिटी वगैरह। क्या बाकी लोग कंफर्टेबल है इन सब कीवर्ड से? कंफर्टेबल है सभी लोग? तो ये एथिक्स का सब्जेक्ट है, उसी में ये सब कीवर्ड आता है, एथिकल मॉरलिटी। इसमें क्या बोला जाता है कि एथिक्स क्या है? हम लोग और डीप चले जाएंगे तो वो टॉपिक से पूरा डाइवर्ट कर जाएंगे, तो बेटर है कि, वही धर्म है। तो कोई भी रिलीजन आपको वो रास्ता बताता है कि क्या चीज़ आपको करने से शांति मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, वॉट एवर, इन एवरी रिलीजन। तो एवरी रिलीजन को धर्म के प्रति या आपके अपने चेतना के प्रति सजग करता है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, हम भगवान को पा लिए। हाँ बिल्कुल। अब जो हम लोग को पर्सपेक्टिव मिल रहा है यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि साइंस का रोल ये होना चाहिए कि हम, हमारा जो लक्ष्य है, धर्म, धर्म जो हमको सिखाता है कि हमको एक हायर इंडिविजुअल बनना है या हायर क्रिएट, हायर बींग की तरफ आगे बढ़ना है, तो उसको पाने के लिए साइंस हमको हेल्प कर सकता है, साइंस डेवलपमेंट के। हाँ जैसे कि डायनामाइट का एग्जांपल ले लीजिए कि जब एटम बम बना था, अगर उस टाइम पर ये, जैसे ओपनहाइमर अभी आया था, ये जो आया है ना ये टॉपिक, ये इसीलिए भी आया है कि ओपनहाइमर का जो पिक्चर आया था उसमें कई लोग को फिर से ये सवाल उठा कि साइंस, अगर साइंटिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट्स या इनोवेशन का काम हो विदाउट एनी मार्गदर्शन, तो वो विध्वंस की तरफ ले जाएगा। आज भी एटम बम जिन्होंने फेंके थे, आज आज भी वो लोग उतना ही गिल्टी साबित होते हैं, ओपनहाइमर उस चीज़ को लेकर के एंड एंड तक बताया भी। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो विज्ञान है उसका काम होना चाहिए हमारे धर्म, हमारे धर्म को पाने के लिए हेल्प करने के लिए होना चाहिए, ना कि अगर हम विज्ञान से धर्म को डिटैच कर देंगे तो फिर हो सकता है कि हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी पर देखें। तो इन सभी चीज़ों का एग्जाम्पल के लिए हम लोग पास्ट और प्रेजेंट वाले पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि ठीक है, आई गेस कि इस टॉपिक पर बेटर है कि मैं टाइम वेस्ट किए बिना अगले क्लास में इसको अच्छे से करता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा ताकि इसको हम लोग एक आंसर के फॉर्म में प्रेजेंट करें। फिलहाल ये एक अप्रोच होगा टाइमलाइन वाला, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी किसी भी मुहावरे को, इस चीज़ को टॉपिक बाय टॉपिक एक एग्जाम्पल लिए, तो
तो वो पैरा वन आपका बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप एंशेंट के बारे में लिखे तो वो एक पैरा में आप डिटेल में बताइए कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग ने, वो लोग का जो भी आर्किटेक्चर था उसमें क्या मिसिंग था जिसके वजह से नदी का फ्लो आ गया, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। इतना एडवांस सिविलाइजेशन भी, वो साइंस इतनी साइंटिफिक थी, बट फिर भी वो विध्वंस कर गए। उसका क्या कारण था? क्या वो धर्म के विरुद्ध जाकर के कोई काम की? ये बात आपको मेंशन करना है कि ये बात, ये एग्जांपल लेकर के चलना है कि एंशिएंट में ऐसे कुछ एग्जांपल बताइएगा, फिर मेडिवल टाइम्स में कुछ एग्जांपल बताइएगा और मॉडर्न टाइम्स में बताइएगा। और जो भी लॉस बाय, जो भी हमारे रूल्स बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अगर नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं मतलब वो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, नेचुरल लॉस अगर नहीं है, तो फिर वो समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर तो ओवरऑल ठीक है, हटाइए इन सब चीज़ों का। ऐसे वाले टॉपिक पर मैं उसका बेटर आंसर प्रिपेयर करके आप लोग की क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। आइए अभी हम लोग पहले ये टॉपिक को देखते हैं, इसरो एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टाइम था जब भारत साइकिल पर, एक फोटो है जो हमेशा समय समय पर आते रहता है, जब भी भारत कुछ अचीव कर लेता है तो ये दिखाया जाता है कि साइकिल पर हम लोग सेटेलाइट लेके जा रहे थे। बीबीसी ने छापा था, दुनिया ऐसा बोला जाता है कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रहा था, बट ये पहला फ़ोटो था जब खींचा गया था कि जब भारत साइकिल पे लेके जा रहा, तो साइकिल जा रही थी तिरुवनंतपुरम अपने पहले लॉन्च के लिए, हम लोग का सेटेलाइट लॉन्च होना था। ये कब का फ़ोटो है? 1963 का। उस समय से 2014 में हम लोग एंटर किए, जब भारत एशिया का पहला ऐसा कंट्री बना जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन में, मार्स के ऑर्बिट में जाने वाला पहला कंट्री बना। तो वहाँ से यहाँ तक की कहानी ही हमारे बारे में बताता है कि इसरो का क्या अचीवमेंट रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्या अचीव कर लिए। फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने कि मार्स ऑर्बिट में एंटर किया। इसका मतलब अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में बात करें तो क्या इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में? क्या इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री माना जा सकता है? इसमें शक क्या है? ऑफकोर्स हाँ, आज हम लोग गगनयान लॉन्च करने वाले हैं, आज हम लोग चंद्रयान के साउथ सदर्न पार्ट पर हम लोग भेज चुके हैं, फिर हम लोग आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तो आप किसी भी टाइम, अब मिशन वीनस चालू होने वाला है प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च कर, तो इतना सारा मिशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और बहुत सारे अभी हैं अभी पाइपलाइन में। तो ये सब बताता है कि इंडिया इज़ द डेवलप्ड कंट्री इन दिस फील्ड। अभी इस सब का कहानी कैसे शुरू होता है? ये सब का कहानी शुरू होता है 1962 में, जब इंकोस्पार बनाया गया था विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 1962 में। इसी इंकोस्पार का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसी इंकोस्पार का नाम बदलकर इसरो रखा गया 1969 में, और 1975 में हम लोग का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया और वो रशियन रॉकेट के थ्रू भेजा गया था स्पेस में। तो आर्यभट्ट एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था जिसको कि सोवियत रॉकेट से भेजा गया था। तो ये स्टार्टिंग के दौर में अचीवमेंट हुआ था, और उसके बाद तो फिर हम लोग काफ़ी आगे बढ़े। तो इसरो के बारे में मोटा मोटी जान लीजिए कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें इसरो एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन तो है, साथ में और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इसरो नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। इसरो के अलावा इसरो का ही कॉमर्शियल विंग है एंट्रिक्स और NSIL, जो कि स्पेस
जो कि कॉमर्शियल सैटेलाइट्स बनाती है, बेचती है, बाजारीकरण करती है, वो सब का काम करती है एंट्रिक्स और NSIL। और यही अभी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज के साथ मिल करके नए नए टेक्नोलॉजीज बना रही है, पेलोड्स बना रही है, ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स भेज रही है, चाहे वो अच्छा एक चीज़ पूछना चाहेंगे, स्पेस एक्स क्या है नाम सर? प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का है? US का है। स्पेस एक्स के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टारलिंक क्या है? ये सब क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अब पहले तो आपका वो डिटेल में आता था 36 नंबर का, अब क्या है, पहला वाला क्वेश्चन में 5 पार्ट जो होता है तो उसमें 8 नंबर 7 नंबर के लिए आ सकते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है और स्टारलिंक का सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए या इंडिया के लिए। तो स्टारलिंक एक प्रोग्राम है जो कि स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया है, स्पेसएक्स के द्वारा फंड किया गया है। वो एक प्राइवेट प्रोग्राम है जिसमें कि सारे दुनिया में जो भी हम लोग अभी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए, ये सब के लिए आपका हर चीज़ इंटरनेट के थ्रू चलने लगेगा, और वो इंटरनेट उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा स्पेसएक्स के द्वारा, विदाउट मतलब सीमलेस प्राइवेसी आपका उसमें टॉप प्रायोरिटी रहेगा। और ट्विटर जिसको कि हाल ही में एक्स नाम दिया गया, वो भी उन्होंने जो ओवरटेक किए तो उसका भी वो सब कहीं ना कहीं कोहेरेंट स्टेप्स है टुवर्ड्स मेकिंग अ ग्लोबल नेटवर्क। तो उससे वहाँ जाने से पहले जिस तरीके से वो लोग चूंकि बाजार इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इंडिया भी सोचा या इंडियन स्पेस एजेंसी भी सोची कि हम लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचें। तो उसके लिए एंट्रिक्स और NSIL दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके लिए काम करता है। फिर इसके बाद इसमें इस ये सब ये सारे स्पेस एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसको फंड करता है, इसको मैनेज करता है, और ये सब प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हेड किए जाते हैं। इसरो इसरो का सबसे खास बात क्या है? व्हाट मेक्स इसरो डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस? कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी सस्ता है, 6 रुपये प्रति किलोमीटर पे हम लोग चंद्रयान और मंगलयान सब लॉन्च कर चुके हैं, जबकि बाकी लोग ड्यूरेबल, हम लोग रीयूज भी करते हैं अपने टेक्नोलॉजीज को। हाँ, हम लोग इसलिए भी जाने जाते हैं कि स्पेस में हमारे द्वारा फैलाया हुआ डेब्रिस वो हम लोग वापस ले आते हैं, या उसको मिनिमम डेब्रिस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं स्पेस में, ठीक है। क्या होता गया है कि हम लोग जब चंद्रयान मंगलयान खास करके जब भेजे थे ना, तो उसमें ये था, ये अर्थ है, ये किसी ऑर्बिट में पहुंचाना है, ठीक है, किसी और के ऑर्बिट में जैसे पहुंचाना है। तो बाकी कंट्रीज, रशिया हुई चाहे US हुई, वो लोग इतना पावरफुल रॉकेट डेवलप करती है कि वो एक ही शॉट में डायरेक्ट पहुंचा पाए। तो जो तो टर्म यूज़ किया उसका क्या था? स्लिंग शॉट टेक्निक। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत होता, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं कि यहाँ से पहले जो भी रॉकेट का जो कैपेसिटी है उस फोर्स से हम लोग पहले सेटेलाइट को लॉन्च कर दिए किसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो वहाँ तक रोटेट करते रहा, जब वो वापस से अपने फुल एनर्जी में आ गया, फुल पावर में आ गया, तो वापस जब यहाँ पर आएगा फिर
फिर वो एक बार और थ्रस्ट मारेगा बाहर की तरफ, तब दूसरे बड़े ऑर्बिट में जाएगा। ऐसे करते करते वो एक ही शॉट में नहीं जाता है, डबल ट्रिपल या 4 टाइम मल्टीपल टाइप में किसी दूसरे ऑर्बिट में या जहाँ भी हम लोग को टारगेट ऑर्बिट में जाना होता है उतने बार में जाता है। तो ये इसरो ने डेवलप किया है और इसी की मदद से हम लोग काफ़ी सस्ते में, काफ़ी चीप कॉस्ट में बाहर तक जा पाते हैं, है ना? राइट, ठीक है। तो इसरो इसीलिए खास है क्योंकि इसरो के प्रोडक्ट्स काफ़ी चीप होते हैं और फिर भी काफ़ी रिलायबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। अब हाँ यही तो हटाना है मुझे। मुकेश जी कहाँ पर? नहीं नहीं यार, इसमें क्या हुआ ना। अच्छा रुको, हाँ ठीक है ठीक। हाँ तो इसरो क्यों अलग है ये तो ठीक है। अब इसरो का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसरो का दो टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। अगर आता है, अगर क्वेश्चंस आएंगे इस पर, तो ये सब एक आंसर का टेम्पलेट है, ठीक है, कि दो ऑब्जेक्टिव, पहला कि स्पेस डिस्कवरी, दूसरा कि इसका यूज़ भारत के साइंस और एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कैसे होगा, उसका यूज़ कैसे होगा रिसर्च और डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए। जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ सीख के आए वहाँ से, आज उसी के वजह से टेली कम्युनिकेशंस हो रहा है, टेली हेल्थ केयर हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, टेली मेडिसिन इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। ये सब क्या है कि आप फ़ोन से, आप एक डॉक्टर्स की मदद से, लेस रिसोर्सेस से आप लार्जर ऑडियंस को कैटर कर पा रहे हैं। ये सब कैसे हो पा रहा है? आपके अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू हो पा रहा है। और क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आज हम लोग जीपीएस का एक अल्टरनेटिव क्रिएट कर चुके हैं, नाविक क्रिएट कर चुके हैं, जो कि नेविगेशन सिस्टम्स के लिए बेहतर होगा, जो कि हम लोग को मोर प्रिसाइज लोकेशन देगा। तो नाविक के आने से हम लोग सेल्फ रिलायंस, सेल्फ ऑटोनोमी की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ बाकी इसके फंक्शंस क्या हैं? तो वेदर फोरकास्टिंग, भुवन एक ऐप बनाया गया है, भुवन के अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इसरो के द्वारा पूरे इंडिया और साउथ ईस्ट रीजन का मैपिंग किया गया है। जिस तरीके से जीपीएस ग्लोबल लेवल पे करता है, उसी उसी तरीके से भुवन जो है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, भुवन के इस वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं। जाता है यहाँ से नहीं जा रहा, ठीक है। अभी जो हम लोग मैपिंग किए हैं इसका, भुवन का जो मैपिंग किए हैं वो नाविक के यूज से किए हैं। नाविक क्या है? नाविक क्या है? IRNSS सिस्टम है, ठीक है। जिस तरीके से जीपीएस बनाया गया यूएस के द्वारा, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब वो पूरे पृथ्वी का एक ग्लोबल मैपिंग कर दे रहा है हर एक लोकेशन का, और उसको यूज़ करके आज गूगल मैप्स चल रहा है, आज हम लोग ड्राइविंग के लिए ओला उबर जो भी है सब उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया, एक टाइम था एक वॉर चल रहा था, उस टाइम पर जीपीएस का यूज़ करने से इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो कारगिल वॉर के दौरान। तो उस टाइम पर इंडिया ने इस पर काम करना स्टार्ट किया 2006 में, और तब से अभी तक हम लोग लगभग 9 सैटेलाइट्स भेज चुके हैं, और इस 9 सैटेलाइट्स की मदद से पूरा का पूरा अर्थ वाला और साउथ ईस्ट एरियाज इन सबको मैप कर चुके हैं। इसका एक्यूरेसी बेटर है एज़ कम्पेयर टू जीपीएस, और ये
और इसका मेजर दूसरा डिफरेंस है कि ये लोकल है, ये हमारे पर्पस के लिए। आज के टाइम में अगर आप पूछेंगे कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग एज सच नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका GPS के साथ टाई अप है, तो नाविक बनाया गया, नाविक इम्प्लीमेंट हो रहा है मिलिट्री सिस्टम्स के लिए, मोस्टली सिटीजन्स के लिए भी। लास्ट ईयर न्यूज़ आया था कि मोटोरोला के साथ दो दो मोबाइल हैंडसेट जो लॉन्च होने वाला था उसके साथ स्पेसिफिकली नाविक ने डील किया था उसको लॉन्च करने के लिए। तो अब जा कर के वो कॉमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहा है और रोल आउट हो रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले दो से तीन साल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग IRNSS को यूज़ कर रहे हैं। IRNSS और नाविक को ही IRNSS बोलते हैं। IRNSS सिस्टम को नाविक नाम से जाना जाता है। नाविक और GPS के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए एक स्लाइड है शायद। अच्छा नहीं, उसके लिए स्लाइड नहीं है, खैर। तो नाविक की मदद से ही भुवन एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि पूरा मैपिंग किया गया। इस भुवन को अभी ये सिटीजन लेवल पे एक्सेस दे दिया गया कि आप अपने से अपने अगल बगल के डेटा को यूज़ कीजिए और उसको बेहतर बनाइए, फ़ोटोज़ खींच के डालिए। और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के साथ, टूरिज्म मिनिस्ट्रीज़ के साथ, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ भुवन ने टाई अप किया है ताकि इसको और बेटर डेटा एनरिच बनाया जाए, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट और बाकी सारे फंक्शंस करते हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे ये बता रहे थे कि ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ये US की एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी SpaceX, उसके द्वारा बनाया गया है। ये क्या कर रहा है? पूरी दुनिया के ग्लोब के ऊपर सैटेलाइट्स, छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेज रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। अब ऑर्बिट क्या होता है ये सब हम लोग आगे बताएंगे, बट लो अर्थ ऑर्बिट वो होता है कि 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के अर्थ सरफेस से ऊपर जो ऑर्बिट है उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो उसी ऑर्बिट्स में ऐसे 5000 सैटेलाइट्स भेज चुका है जिसका काम है कि पूरा मैपिंग, अभी के टाइम में 5000 सैटेलाइट भेज चुका है और 2024 तक में 12000 सैटेलाइट्स का लक्ष्य है। ये बढ़कर 42000 सैटेलाइट्स तक भेजा जाएगा जिसका काम होगा कि हम लोग सभी को इंटरनेट के माध्यम से फ्री इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर देना ताकि सीमलेस डेटा ट्रांसफ़र हो सके, सैटेलाइट से हो जाए। हाँ, डायरेक्ट सैटेलाइट से तो तभी तो इतने सारे सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। बट हाँ, जितने ज़्यादा ये सैटेलाइट्स भेजेंगे उतना ज़्यादा क्लियर और सीमलेस होगा। हाँ, मैं ये भी बोलने वाला था, अभी के टाइम में स्टारलिंक जो है वो अपने सर्विसेज को 60 कंट्रीज़ में दे रहा है, ओनली 60 कंट्रीज़ में दे रहा है। और रशिया यूक्रेन वॉर में इसकी अहम भूमिका है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट ने अहम भूमिका निभाई है कि यूक्रेन में जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा वॉर मैनेजमेंट हो रहा है उसमें इसका यूज़ करके किया जा रहा है। और मिडल ईस्ट में भी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये अपने रिसोर्सेज दे रहा है फिलहाल। द थिंग इज, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इसके लिए तैयार रहिएगा। और 2023 के एंड तक ये रोल आउट हो जाएगा, अभी तक नहीं रोल आउट हुआ है ओवरऑल सारे, मतलब मोबाइल ग्लोबल मोबाइल सिस्टम्स के लिए अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। 2023 के एंड में इसका यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग स्टैटिक की तरफ जाएंगे कि ऑर्बिट के कितने टाइप के होते हैं, फिर सैटेलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले कोई सवाल है तो पूछिए। स्टारलिंक प्राइवेट प्रोजेक्ट है ना, इसरो क्यों लॉन्च करेगा? तो
अच्छा इंडिया, इंडियन नाविक कर रहा है ना, किया ना अभी, पहले अपने अपने कंट्री को मैप कर ले, उतना सर्विसेज बेटर प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अभी तक तो हमें अभी फंडिंग, हाँ वही फंडिंग का इशू है ना, अपने पास ऑलवेज फंड इशू रहता है। जब अभी स्पेसएक्स बहुत बड़ी एजेंसी है, उनके पास वो खुद प्राइवेटली अगर पूरे पूरे वर्ल्ड को मैप कर रहा है तो फंड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम देर, बट हमारे पास है फंड का इशू। तो अभी हम लोग नाविक को ही और बेटर कर रहे हैं पहले, कि वो रोल आउट हो जाए, वो उस वो जीपीएस को रिप्लेस कर दे, उसके बाद हम लोग तब स्टारलिंक की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अभी इंडिया में तो प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी बॉडी भी नहीं है जो कि स्पेसएक्स के बराबर खड़ी हो, या ऐसा ऐसा कोई नामी गिरामी बॉडी नहीं है। तो हाउ कैन यू थिंक इन दैट मैनर, हाँ अगर आप चालू करेंगे तो ठीक रहेगा, आप कदम बढ़ाइए उसी दिशा में। खैर जो ऑर्बिट्स हैं, कोई भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं तो अलग अलग ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, उसका अलग अलग पर्पस होता है, उसी में एक उसी में और उसी के आधार पर हम लोग का जिस टाइप का काम है, वेदर फोरकास्टिंग करवाना है, किसी पर नज़र रखना है, किसी पूरे की मोबाइल कम्युनिकेशन का काम है, नेविगेशन का काम है, तो जिस टाइप का काम है उस टाइप का सेटेलाइट भेजा जाएगा, और जैसा सेटेलाइट भेजा जाएगा वैसा ऑर्बिट चुना जाता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट, लो और एलियो है, पोलर पोलर ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अब इसमें से कोई बताइए कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अगर हम लोग को कोई सेटेलाइट भेजना है जो कि स्पाई स्पाई के रूप में काम करेगा, स्पाई सेटेलाइट भेजना है, तो वो किस ऑर्बिट में भेजा जाएगा? ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी को, पता है? हाँ, तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? और जीटीओ ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, देखिए दो टाइप का मुख्यतः ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट्स का ऑर्बिट्स क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो हाइट के आधार पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं या एप्लीकेशन के आधार पे। हाइट के आधार पे दो भाग में है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट और मिडल अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ की सतह से कितनी दूरी पर कोई ऑर्बिट है उसके आधार पर हम लोग नाम दिए हैं। लो अर्थ ऑर्बिट जो कम दूरी पर है, मतलब 300 से 400 किलोमीटर के रेडियस में, मिडल अर्थ ऑर्बिट थोड़ा उससे ऊपर, और ये हाइट के आधार पे हो गया। एप्लीकेशन के आधार पे जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी आता है। जियो सिंक्रोनस वो हुआ कि आप कहीं पर भी हो, अर्थ जैसे जैसे रोटेट करता है उसी तरीके से वो भी रोटेट करता है, तो आप किसी प्लेस पर हो आपको वो सैटेलाइट हमेशा वहीं दिखेगा, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। अब जियो सिंक्रोनस में एक स्पेशल कैटेगरी है, जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसका इसमें इस दोनों में पहले मैं ही बता देता हूँ, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट हुआ, आप अर्थ जैसे जैसे रोटेट करता है उसी रफ्तार से वो सैटेलाइट भी मूव करता है, तो ये हो गया जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी क्या हो गया? अब ये जियो सिंक्रोनस क्या हो सकता है कि ये 0 डिग्री पर भी हो सकता है, कुछ इंक्लिनेशन ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा और ऊपर भी हो सकता है। तो ये अर्थ का, जैसे ये अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ये इक्वेटर है ये वाला जो ब्लू लाइन है, ठीक है। तो अगर कोई और कोई ऑर्बिट किसी इंक्लिनेशन पे ऐसे है, थोड़ा ऐसे है, और फिर भी वो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ मूव कर रहा है, तो जियो सिंक्रोनस कहलाएगा। बट अगर वही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट अगर अर्थ के इक्वेटर के
इक्वेटर के एक्सिस में मूव करेगा, तो वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सवाल, ये कन्फ्यूजन रहता है और इस पर सवाल बनता है, पूछा भी जा सकता है कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में क्या अंतर है। ठीक है, ये क्यों यूज़ होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट? ये यूज़ होता है टेली कम्युनिकेशन के लिए और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। मतलब आप यहाँ पर हैं, आपका आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल रहेगा, तब ना आप बात कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस रफ्तार से घूम रहे हैं उसी रफ्तार से आपके मोबाइल से जो सिग्नल जाता है वो भी वही, वो भी उसी रफ्तार में मूव करें, तभी वो स्टेबल रह पाएगा। तो उसके लिए जो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हम लोग भेजते हैं जियो में, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये टेली कम्युनिकेशन के लिए और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है। अब लियो में जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसको बेसिकली यूज़ करते हैं, मान लीजिए कि अर्थ का फोटोज़ लेना है किसी पार्टिकुलर प्लेस का या किसी पार्टिकुलर जगह का, तब किसी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है, या रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर 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 हम और आपने मिल करके कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बनाए, ठीक है, कि यहाँ पर सैटेलाइट से जो है आपका बोट चले, आप रिमोट बनाए, तो सैटेलाइट से बोट चलाने के लिए आपको सैटेलाइट भेजना पड़ेगा कहाँ पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। वहाँ भेजे तो वो कम दूरी पर, कम कॉस्ट पर वो आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम केस में जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, जबकि जियो सिंक्रोनस में हमारे टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट्स को भेजे जाते हैं। फिर एक आता है गगनयान, हाँ, क्योंकि उसमें अभी लोग हैं तो कम रिस्की है, वो कम रिस्की होता है इसीलिए लियो में भेजा जा रहा है। अब एक है हमारा पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट हुआ जो अर्थ के इक्वेटर के परपेंडिकुलर मूव करता हो, तो ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसी को पोलर ऑर्बिट कहते हैं। ये ज्योग्राफी का से रिलेट कर लीजिए। इस पोलर ऑर्बिट में क्या करते हैं कि ये सन के साथ साथ मूव करता है। अगर अगर आपको कोई कोई ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो दिन भर में आपको एक जगह का लोकेशन बता दे, जो दिन भर मूव करते रहे, एक 24 घंटे में आपका आ जाए वहीं पर, तो हम लोग वैसे सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में भेजेंगे। जैसे जैसे कि वेदर सैटेलाइट्स, मौसम विभाग, मौसम का जानकारी देने के लिए जो भी सैटेलाइट हमको चाहिए वो हम भेजेंगे पोलर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, उसी हिसाब से किसी पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए अगर सैटेलाइट भेजना है, स्पाई सैटेलाइट, वो भी हम लोग पोलर ऑर्बिट में भेजेंगे। तो ये कुछ ऑर्बिट हैं अलग टाइप के, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी बता ही दिए कि जियो स्टेशनरी क्या होता है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज़ होता है, ये लो इंक्लिनेशन पे है, और इसमें इसरो का इंसैट भेजा गया है। ठीक है, इसरो का इंसैट भेजा गया। लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी में गगनयान भी भेजा जाएगा, और इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। तो कौन से सैटेलाइट्स को किस में भेजा जाता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट नॉर्मली उतना मोस्ट यूज टर्म नहीं है, तो उसको आप हटा सकते हैं, बट पोलर ऑर्बिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें सैटेलाइट, इसमें स्पाई और वेदर सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। उसके बाद जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट को हम लोग क्या करते हैं कि अब जो मिस्टर में पूछा कि लियो से लो अर्थ ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक भेजने के क्रम में हम लोग एक एक इंटरमीडिएट ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को रुकाते हैं। वो ऑर्बिट में इसलिए रुकाते हैं क्योंकि वो ऑर्बिट का जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है, उसमें एनर्जी लॉस मिनिमम होता है, तो उसमें सैटेलाइट अपना फुल एनर्जी गेन कर ले, इसीलिए तत्काल के लिए ऐसे ऑर्बिट का यूज़ करते हैं, उसी को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये चार पांच अलग अलग टाइप के ऑर्बिट हो गए जो सैटेलाइट्स के लिए यूज़ होते हैं। अब ये सब सैटेलाइट्स क्या हैं, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी के बीच में, कि ये आपका जैसे ये अर्थ है, घूम रहा है, ये इक्वेटर है, तो इस इक्वेटर
के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रहा है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलेंगे, और इस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी बोलेंगे। बट इसी से कुछ एंगल पर जो दूसरा दूसरा ऑर्बिट है उसको जियो सिंक्रोनस बोलेंगे। अब ये अर्थ जिस रफ्तार से घूम रहा है उसी रफ्तार से यहाँ पर अगर आप कोई सैटेलाइट डालें तो वो भी उसी रफ्तार से घूमेगा, इसीलिए इसको जियो सिंक्रोनस नाम दिया गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें? हाँ, जियो सिंक्रोनस का ही एक स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी, जिसमें कि इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, या वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो कि इक्वेटर के इक्वेटर पर लाई करता हो, वो हो गया जियो स्टेशनरी। ठीक है, अब जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी क्यों यूज़ किया जाता है? तो वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स को इस सब में भेजा जाता है। तो अब चूंकि इतना सैटेलाइट्स का बात हो रहा है तो आइए हम लोग कुछ सैटेलाइट देख ले कि कितने टाइप के होते हैं। टोटल टोटल 6 टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, 1 2 3 4, टोटल 7 टाइप के होते हैं। ये इसरो इसरो ने खुद क्लासिफाई किया 7 टाइप के सैटेलाइट्स, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इनका पर्पस क्या है कि आम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, इसीलिए आम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, इसीलिए इन सब इन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेली कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से हम लोग क्या करते हैं, वही भुवन ऐप। भुवन ऐप जो बना है वो IRNSS नाविक के थ्रू थ्रू बना है। GPS सिस्टम वो भी ऐसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की मदद से बना है। तो ऐसे सैटेलाइट्स कहाँ पे रखे जाएंगे? जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में रखे जाएंगे। क्यों यूज़, क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे? रिसोर्स मैपिंग के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है। आज आप लोग मैप खोलते हैं, गूगल मैप खोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं ना कि हाँ अभी पटना सचिवालय यहाँ पर है, यहाँ से अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना हो तो एक डायरेक्शन दिखाएगा, उसमें गंगा नदी यहाँ पर आती है। तो वो जो पूरा मैपिंग किया गया है वो इन्हीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की मदद से किया गया है। ठीक है, ये कब आया था हम लोग का गूगल मैप, कब आया था गूगल अर्थ? 2006 में आया था। 2006 से आज तक ये इतना एक्यूरेट हो गया कि इंडिया में भी 3D प्रोजेक्शन दिखाने लगा है। आपका आज, आपका 1 साल पहले भी जो बिल्डिंग बना होगा गूगल मैप पे वो अपलोड हो गया होगा। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, और आगे और भी है। आगे इसमें पर्पस ये है कि हम लोग उसके थ्रू एक वर्चुअल एसेट बनाने वाले, वर्चुअल जो जब बनाया जा रहा था गूगल मैप, तो उसमें हम लोग का पर्पस ये था कि आगे चल करके एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया जाए, जिसमें कि आपको कहीं पे भी शॉपिंग करना हो या देखना हो तो आप गूगल मैप के थ्रू चले जाए, देख लें, और वर्चुअली आप सब कुछ देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसका इसका एप्लीकेशन बहुत बृहद पैमाने पे हम देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। जिस तरीके से फेसबुक मेटा बना है, एक वर्चुअल एसेट बना है, तो गूगल ऑलरेडी ये चीज़ बना करके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल फॉर्म में बना चुका है। अब वहाँ पर ऐसे ही ह्यूमन बॉट्स को या आर्टिफिशियल बॉट्स को डालने की देरी है, वो भी हम लोग आने वाले टाइम में देख सकते हैं। क्योंकि उसके बाद इसके एग्जांपल, इस सबके एग्जांपल आप लोग को पता होने चाहिए कि कौन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन होते हैं, किस ऑर्बिट में जाते हैं, इससे रिलेटेड क्या एग्जांपल है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की क्या एग्जांपल है। साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट, ये स्पेस क्राफ्ट वैसे होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स इन सब चीज़ों के लिए, इन सब का शोध करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान। तो इससे हम लोग क्या पाए कि चंद्रयान के सतह में जो भी डेब्रिस था या जो भी वहाँ का फिजिकल कंपोजिशन था उसको ला करके पढ़ रहे हैं, उसके स्टोन्स को पढ़ रहे हैं। तो ये सब सैटेलाइट जो हुए उनको वो इस श्रेणी में आते हैं, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट की श्रेणी में। अब आगे है अगला, नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट हम लोग का ड्राइविंग पोजिशनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स, आर्यभट्टा जो लॉन्च किया गया था 1975 में, वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट ही था। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स जैसे रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ होता है, एटमोस्फेयरिक स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है,
ऑर्बिट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। कोई भी पेलोड को, कोई भी सैटेलाइट पर अगर हम लोग पेलोड भेजने वाले हैं तो उस पेलोड का फीचर बताना हो, ठीक है, वहाँ से। जैसे यही बताया कि इसी कैमरा से मान लीजिए अभी आपको इसको सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल करना हो तो पेलोड के फॉर्म में हम भेजेंगे, जो सैटेलाइट ऑलरेडी वहाँ पर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उस पर छोटे छोटे पेलोड्स भेजते जाएंगे। तो वो भेजने के लिए एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स का मदद लेते हैं। फिर कुछ स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं जो 500 किलो से भी छोटे कैटेगरी में आते हैं। वैसे स्मॉल सैटेलाइट्स की कैटेगरी में यूथ सैट भेजा गया था 2011 में, माइक्रोसैट भेजा गया था 2018 में, और लास्टली स्टूडेंट सैटेलाइट। ये स्टूडेंट सैटेलाइट स्वयं, प्रथम, पी सैट, आज़ादी सैट। आज़ादी सैट इस साल भेजा गया है, आज़ादी सैट 1, आज़ादी सैट 2। अब ये बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको बता तो दिया, बट ये बताने के पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि ये सब सैटेलाइट्स का टाइप्स है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर आपसे पूछेगा कि आज़ादी सैट क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी सैट एक टाइप का स्टूडेंट सैटेलाइट है। क्यों? अब अगर आपको पता होगा कि ये स्टूडेंट सैटेलाइट है तो आपको पता, तो आप इसके बारे में दो चार लाइन लिख सकते हैं कि चूंकि ये स्टूडेंट सैटेलाइट है तो ये स्टूडेंट ग्रुप के द्वारा मिला के बनाया गया है, इसरो इसको एनकरेज करता है, ये एक टाइप का यूथ इनिशिएटिव है जो कि इसरो ने चालू किया। दो चार लाइन लिख पाएंगे, इसलिए सैटेलाइट्स कौन से किस कैटेगरी में है ये पता रखेंगे तो उस पर जो आपका फर्स्ट पार्ट है 7-8 नंबर का क्वेश्चन वो आराम से कवर हो सकता है। पी सेट के बारे में, पी सेट पुराना था बट आज़ादी सेट नया है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। 2022-23 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसी हिसाब से आर्यभट्टा के ऊपर पूछा जाएगा, तो आर्यभट्टा क्या है, वो 1975 में लॉन्च किया गया था, वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट का पर्पज़ क्या है, ये सब है, तो आप लिख सकते हैं। अब ये इसरो के वेबसाइट से निकाला गया है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का, उसने अपना 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 हर टाइप का फ़ोटोज़ बताया कि ये इस टाइप का है, बट ओवरऑल इस जो भी इसका पर्पस था वो मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ एग्जांपल, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स आपका एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स की कैटेगरी में जाएगा, इसी में आपका जाएगा हबल टेलीस्कोप, जिससे कि दूर दूरदराज कोई स्टार्स है, कोई प्लैनेट्स है, उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की कैटेगरी में कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ओशियन सैट, रीसैट, ये सब सिर्फ एग्जांपल के लिए स्लाइड है और कुछ नहीं। तो यहाँ तक था आपका कि कितने टाइप के ऑर्बिट हुए, कितने टाइप के सैटेलाइट्स हुए, क्या क्या एग्जांपल्स था उन सब से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम लोग देखे कि इसरो का हिस्ट्री क्या रहा, इसरो को बनाया गया था, उसके बाद वहाँ से हम लोग कहाँ तक पहुँचे। अब आता है कि इसरो के बहुत सारे रिसेंट इनिशिएटिव्स अभी जो चल रहे हैं, गगनयान, चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, चंद्रयान 1, फिर निसार, नासा और इसरो ने मिल करके भी एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है निसार। फिर आदित्य L1 मिशन जो कि सोलार स्टडीज़ के लिए भेजा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए या इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि क्या है, और इन सबको ऐसे कवर करेंगे यानी कि देखिए एक बात आप जान लीजिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो कि इसका रोल क्या रहा इंडिया के डेवलपमेंट में, पहला, अगर ये आएगा तो 36 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इसके साथ साथ फिर आपका आएगा कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के में भारत ने क्या रिसेंट क्या उसका अचीवमेंट रहा। नाविक के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो नाविक पर भी हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। और उसके साथ साथ ये जो टॉपिक्स है, चंद्रयान 1, चाहे चंद्रयान 3, चाहे आदित्य L1 मिशन, इस पर पूछ सकता है। अगर डायरेक्टली 36 नंबर का नहीं पूछे तो मोस्ट प्रोबेबली एक सब पार्ट का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, इतना कवर कर लेंगे कि आपका हर एक पार्ट का आंसर रेडी रहे, ठीक है। तो अब कुछ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है जो लास्टली हम लोग देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स पे चल भी रहा है कि
एक नया लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। ये मिशन जो है बाकी पुराने जो लॉन्च व्हीकल हैं उससे ये कैसे अलग है? अब पुराने लॉन्च व्हीकल सब जो ट्रेडिशनल है वो तो हम पढ़ेंगे, बट ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका पूरा आंसर आपको दे दिया गया है कि इसका पर्पस क्या था इसरो का SSLV का। इस SSLV सैटेलाइट के लॉन्च के दौरान कुछ गड़बड़ी आई थी, उस गड़बड़ी का कारण क्या था, क्यों ये सैटेलाइट्स अपने डिजायर ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए। फिर इसका तीसरा पार्ट है कि SSLV PSLV से डिफरेंट कैसे हैं, और इसका क्या एडवांटेज है PSLV से जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, और इसके बाद इसका लास्ट है कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। तो इस पूरे क्वेश्चन पर एक डिटेल्ड आंसर आपको दिया जा चुका है कि जो कि आपके पर्पज़ को सर्व करेगा। और ध्यान में रहे कि ये कम्प्लीट आंसर नहीं है, ये बुलेट फॉर्म्स में है, ठीक है, बट क्रिस्प है, कॉन्साइज है। तो उससे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या है। अब हम लोग देखें कुछ चीज़ें देखें कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट है, वहाँ तक बहुत सारे ऑर्बिट हैं, लो अर्थ ऑर्बिट है, मतलब जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है। इन सभी ऑर्बिट्स में भेजने के लिए सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स का हम लोग टाइप देख लिए, ठीक है। यहाँ से जाने के लिए वहाँ तक सैटेलाइट्स पर वहाँ पे ऑर्बिट है, अब भेजने के लिए क्या चाहिए, तो भेजने के लिए हम लोग को लॉन्च व्हीकल चाहिए। लॉन्च व्हीकल का टेक्नोलॉजी इंडिया में फ़िलहाल क्या है, तो हिस्टोरिक लॉन्चर्स हमारे देश के दो रहे हैं, SLV और ASLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ऑपरेशनल लॉन्चर्स अभी हमारा दो है, PSLV और GSLV। PSLV उन सैटेलाइट्स को पोलार ऑर्बिट में भेजने के लिए, सैटेलाइट्स को पोलर, अब आप लोग समझ रहे हैं PSLV का क्या पर्पस है, तो पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजने के लिए PSLV है। GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को भेजने के लिए, GSLV से पोलर ऑर्बिट में भी भेजा जाता है क्योंकि, और GSLV ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च पोलर ऑर्बिट जो होता है इसका डिस्टेंस 600 से 800 किलोमीटर तक होता है, बट GSLV से जो ऑर्बिट में भेजे जाते हैं जियोसिंक्रोनस उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। उसका डिस्टेंस का रेंज क्या होता है, 36,000 किलोमीटर तक। तो कहाँ 600 से 800, कहाँ 36,000 किलोमीटर तक। तो इससे हम लोग GSLV से PSLV अचीव कर सकते हैं, GSLV से क्या पोलर ऑर्बिट में भेज सकते हैं। तो ये दो लॉन्च व्हीकल है। इसके अलावा अब हम लोग पाए कि GSLV में भी सिर्फ GSLV से काम नहीं चल रहा था, ये तो हम ये इससे जो हैवी मशीन हैवी सैटेलाइट था उसको नहीं भेज पा रहे थे, तो GSLV को अपग्रेड कराया गया GSLV Mach 3 में। ये हमारा हाईली पावरफुल हो गया, ये 4 टन तक का कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करके भेज सकता है, ठीक है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होता है थर्ड स्टेज में, इसीलिए इसका नाम है GSLV Mach 3, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, GSLV Mach 3 इतना ही काम का है कि GSLV Mach 3 क्या है, बताने जाएंगे तो थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना कि GSLV क्या है, GSLV से GSLV 3 की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसमें हायर पेलोड्स को भेजना था, 4 टन तक के पेलोड को भेजना था, उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत थी, इसलिए GSLV Mach 3 का यूज़ बनाया गया। ये इंडिजिनसली बिल्ट क्रायोजेनिक इंजन का इसमें यूज़ हुआ। अब ये थे हमारे लॉन्च व्हीकल्स, इनको भेजने के लिए कुछ हमारे डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जहाँ से कि इनको भेजा जाता है, क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर शार, यहाँ से हम ये स्पेस पोर्ट है, इंडिया का स्पेस पोर्ट है, यहाँ पर हम लोग लॉन्चर्स को इंटीग्रेट करते हैं, जो भी हम लोग का लॉन्चर्स हैं GSLV PSLV इन सबको यहाँ पर इंटीग्रेशन का काम किया जाता है। और इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल्स के डिज़ाइन का काम होता है, डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम होता है, तो एक जगह पर डिज़ाइन और डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी जगह पर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो PSLV GSLV ओला PSLV GSLV के बाद में अभी हाल ही में
इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन लॉन्च हुआ, तो इसका काम, इसका अब ये कैसे भिन्न है, यही पूछा गया था कि SSLV PSLV और GSLV से कैसे भिन्न है, हाउ इज SSLV डिफरेंट फ्रॉम PSLV एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो SSLV को क्यों बनाया, PSLV को हम लोग भेजते हैं पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए। अब अगर कोई सैटेलाइट कम पेलोड का है, अगर हम लोग को उतना हैवी नहीं भेजना है, कुछ हल्के फुल्के सैटेलाइट्स भेजना है, तो उसके लिए SSLV डेवलप किया गया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट्स। आज के टाइम में जब इसरो प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया, कॉमर्शलाइजेशन की तरफ गया, तो बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल करके एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स के रूप में, स्टूडेंट सैटेलाइट के रूप में भेज रहे, तो उसके लिए SSLV डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो इसकी मदद से बच्चों को अगर अपने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भेजने हैं तो कम कॉस्ट में हम लोग भेज देते हैं पोलर ऑर्बिट में, 500 किलो तक, 500 किलोमीटर के प्लेनर ऑर्बिट में हम लोग भेजने के लिए SSLV का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट है। इसरो का एकमात्र पहचान जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, वो उसका हमेशा ध्यान रहेगा। अब SSLV क्या यूज़ करता है, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करता है, विच आर इकोनॉमिकल एंड ईजियर टू हैंडल, ठीक है। ठीक है, इसमें SSLV का कुछ डिटेल्स है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। द थिंग इज़ कि SSLV PSLV और JSLV के बाद नया बनाया गया, इसलिए इस पर क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। अब लिक्विड यूज़ करता है, SSLV सॉलिड यूज़ करता है क्योंकि सस्ता पड़ता है, कॉस्ट कम पड़ता है, कम, हाँ, तो इसीलिए हम लोग का जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स के लिए अब हम लोग को PSLV पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों लगाएंगे वही तो। और स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी सब के पास फंडिंग के लिए तो रहता नहीं, तो भारत सरकार को ही फंड करना है। जब भारत सरकार को ही करना है तो एक नया टेक्नोलॉजी ही बना लिया, एक नया लॉन्च व्हीकल ही बना लिया कि उनके पर्पज़ को, यूनिवर्सिटीज़ या कॉमर्शलाइजेशन के पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी हो गया। कि अगर आप लोग को रिसर्च वर्क में नहीं जाना है, आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल कुछ जैसे टेक्नोलॉजी पर काम करना है, तो उसके लिए SSLV अपना पर्पज़ फुलफ़िल करेगा, ठीक है। फ्यूचर इसका पोटेंशियल क्या है, वही सेम चीज़, SSLV का फ्यूचर पोटेंशियल क्या रहेगा कि अभी इंडिया जो है वो कमर्शियल स्पेस में घुसा ही है, और इसीलिए दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे एस्पायरिंग कंट्रीज़ हैं जिनको कि अपने सैटेलाइट्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पे बाहर भेजना है, तो उन सब के लिए ये बेटर ऑप्शन है। क्योंकि लोग क्यों ना नासा के पास जाए, फ्रेंच एजेंसी के पास जाए, CSA के पास या रॉस्कोमॉस के पास जाए, जो हमारे पास है, क्योंकि हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट है, तो इसको और बेटर बनाएंगे और सस्ता बनाएंगे। इसीलिए SSLV डेवलप किया गया, ताकि वर्ल्ड में वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसरो प्लान्स टू लॉन्च SSLV फ्रॉम इट्स अपकमिंग स्पेस पोर्ट इन कुलासेकरा पट्टिनम, अलाउिंग इट टू एंटर अ पोलर ऑर्बिट, सेविंग फ्यूल एंड एनहांस पेलोड कैपेसिटी। सेम चीज़ है, कॉस्ट एफिशिएंसी की बात की जा रही है। अच्छा, बना दे रहा है, हाँ, 72 घंटा में ही लो टर्न अराउंड। SSLV हैज अ फास्टर लॉन्च ऑन डिमांड सर्विस विथ अ लो टर्न अराउंड टाइम। हाँ, 72 घंटे के अंदर जो है ये फिर से रेडी हो जाएगा आपके भेजने के लिए, ठीक है। तो ये इसका सबसे मेन फीचर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आने का, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ये लेक्चर को एंड करते हैं। और जो आपका क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, प्रॉस्पेक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर इन द स्पेस सेक्टर, क्या इसके लिए आपको पॉइंट्स मिला लेक्चर में, तो अब हम लोग उन सारे पॉइंट्स को आप ही लोग के थ्रू समराइज करेंगे कि क्या क्या डिटेल पॉइंट्स रहा, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन कोई बताइए। सीधा लिखता हूँ मैं, इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर। इन स्पेस सेक्टर लेक्चर का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए तो हम लोग पूरे लेक्चर को पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे डालेंगे कि क्या सुपर, पहली बात की क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है, बन सकता है ठीक है। अब बन सकता है तो इंडिया का इंडिजिनस ऐसा क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो आप लोग को समझ में आया जो कि भिन्न था बाकी कंट्रीज की तुलना में। एक एक करके बताइए, पहले इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हमारे क्या क्या हैं, हमारे अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लॉन्च व्हीकल हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या पढ़े हैं। लॉन्च व्हीकल में सबसे पहले कि क्या अभी जस्ट पढ़े हम लोग क्या देखें, PSLV, GSLV, SSLV, GSLV Mach 3, GSLV Mach 3 में क्या खास बात है? इन चारों लॉन्च व्हीकल के बारे में बताइए एक एक करके। PSLV क्यों यूज हुआ होता है आप बताइए मैडम। हम लोग ये बात करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना, पूरा लेक्चर हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग आपस में ही ना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए, इसका आंसर सब लिख पाए। PSLV से हम लोग कहाँ भेजते हैं, PSLV से हम लोग व्हीकल को भेजते हैं, सैटेलाइट्स को भेजते हैं, कहाँ पर भेजते हैं? पोलर ऑर्बिट में भेजते हैं। पोलर ऑर्बिट में किस किस टाइप के सैटेलाइट्स को भेजा जाता है बताइए सर। पोलर ऑर्बिट में किस टाइप के सैटेलाइट्स को भेजा जाता है? स्पाई सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के ऐसे सैटेलाइट्स को भेजा जाता है जो कि एक दिन के अंदर वापस उसी जगह पर पहुंच जाए। मतलब अगर आज वो सैटेलाइट पटना के ऊपर 4 बजे है तो कल वो वापस से 4 बजे आ जाए, ठीक है, एक दिन के अंदर आ जाए सेम जगह। तो इस ऐसे सैटेलाइट्स का यूज़ हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, ठीक है, मौसम जानकारी के लिए PSLV का यूज़ करते हैं। PSLV का यूज़ करके हम लोग पोलर ऑर्बिट में भेजते हैं सैटेलाइट्स को, ठीक है। और GSLV में कैसे सैटेलाइट्स को भेजते हैं आप बताइए सर। GSLV में कैसे सैटेलाइट्स को भेजते हैं, GSLV की मदद से किस ऑर्बिट में भेजते, सॉरी किस ऑर्बिट में भेजेंगे GSLV से? क्या पोलर ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस दोनों में चला जाता है? नहीं, सिर्फ जियोसिंक्रोनस में जाता है। तब नहीं समझ में आया यार आप लोग को लेक्चर, तो फिर ठीक है। ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, ये है पोलर ऑर्बिट। तो देखिए ये अर्थ है, इस ये जो इक्वेटर है इसके परपेंडिकुलर पोलर ऑर्बिट। देखिए एक चीज़ हो सकता है यहाँ पर, चूंकि मेंस बैच है इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत आता है, ठीक है, हो सकता है उनके लिए यहाँ पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो, बट देर इज़ ऑलवेज, आपको मैं ये बात बताऊँ कि एक क्लास में जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग समराइज करेंगे 2 घंटे में उतना आप लोग खुद से नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो। पहला चीज़ ये उन लोगों के लिए जिनको आता है, तो देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरी क्लास। दूसरे वो जो वैसे बच्चे जिनको कि बेसिक्स अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग सबको लेके चलेंगे, हम लोग सबके लिए हैं। तो अब पूरा क्लास हम लोग कर लिए, अगर पोलर ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में नहीं बता पा रहे तो इस क्लास से कुछ निकला नहीं। फिर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इसको कहेंगे जैसे कि अर्थ घूम रहा है,
ये अर्थ मान लीजिए 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर नहीं यार, छोड़ो, ये अर्थ घूम रहा है किसी एक्स किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, और एक ऑर्बिट है उसके साथ, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट ए, वो भी एक्स किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है उसके साथ साथ, तो ये सैटेलाइट का क्या कैटेगरी, ये सैटेलाइट क्या कहलाएगा? सभी लोग बोलिए, जियो सिंक्रोनस। क्यों कहलाएगा? जियो, जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब साथ में, तो अर्थ के साथ साथ जो घूमे उसको जियो सिंक्रोनस कहेंगे, ठीक है। अर्थ के साथ साथ घूमने के लिए जो अर्थ का स्पीड होगा वही उसका स्पीड होगा, उसके लिए घूमने के लिए अर्थ के ऑर्बिट के या तो इक्वेटर के एक्सिस में हो या तो किसी इंक्लिनेशन पे हो, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या हो गया? साथ साथ घूमे। अब इसमें भेजने के लिए हम लोग, अब एक और चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए कि जो पोलर ऑर्बिट होता है वो साथ साथ नहीं घूमता है, वो परपेंडिकुलर होता है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव करता है, और ये सब इमेजिनरी है, ये कहीं है नहीं, ये सब इमेजिनरी है, हम लोग अपने सेटेलाइट भेजने के लिए हम लोग खुद बना लिए। तो पोलर ऑर्बिट हो गया जो 90 डिग्री पर है या परपेंडिकुलर है। अब पोलर ऑर्बिट्स में का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं कि एक ही दिन में, अगर सिर्फ मौसम मौसम विभाग, मैं एक ही जगह का दिन भर का रिपोर्ट जानना चाहूँ एक प्लेस का, तो मैं जियो सिंक्रोनस ना यूज़ करके पोलर यूज़ करूँगा, ठीक है। पाई सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग, अब दिमाग में रखें कि वेदर फोरकास्टिंग को और स्पाइस सैटेलाइट्स को हम पोलर ऑर्बिट में भेजते हैं, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा पोलर ऑर्बिट क्या है। पोलर ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसका कि मैक्सिमम डिस्टेंस आपका 600 से 800 किलोमीटर होगा, और ये अर्थ के इक्वेटर के परपेंडिकुलर होगा। और जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कि जब भी हम बात करेंगे तो इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर के रेंज में चला जाएगा, तो बहुत अंतर आ गया दोनों में। एक एक का सरकमफेरेंस 36,000 किलोमीटर के रेंज में और एक 100 के रेंज में, ठीक है। तो इसमें जो भी सैटेलाइट जाएंगे उसके लिए ज़्यादा हैवी इंजन किस चीज़ के लिए चाहिए? जीएसएल, जियो सिंक्रोनस में भेजने के लिए या पोलर में भेजने के लिए? जियो सिंक्रोनस में तो ज़्यादा हैवी कौन सा होगा, जीएसएलवी की पीएसएलवी? जीएसएलवी। अब ये कम हैवी हो गया, मतलब ये कम पावरफुल हुआ, ये उससे हैवी हो गया, बट जीएसएलवी से भी बहुत ज़्यादा हम नहीं भेज पा रहे थे, इसका भी एक एक लिमिट था कि 2 टन तक भेज पा रहे थे। तो 2 टन मतलब कितना, 2 टन मतलब कितना हुआ? हाँ, 2,000 किलो, ठीक है। तो जीएसएलवी मैक 3 को बनाया गया 4,000 किलो तक भेजने के लिए, ठीक है। तो जीएसएलवी में ही, मतलब जियो सिंक्रोनस में ही सैटेलाइट्स को भेजने के लिए, जो भारी सैटेलाइट्स से जिससे कि हम लोग अब चूंकि पहले तो हम लोग अभी भुवन ऐप बनाए कि भाई इंडिया भर का उसने मैपिंग कर दिया, इंडिया भर का मैपिंग करने के लिए भुवन जो बना वो किस किस ऑर्बिट में गया होगा भुवन बनाने के लिए? भुवन जो बना हमारा एप्लीकेशन, वो बनाने के लिए जो सैटेलाइट्स भेजे गए वो किस ऑर्बिट में भेजे गए, जियो सिंक्रोनस में या पोलर में? जियो सिंक्रोनस में भेजे गए, ठीक है, जियो सिंक्रोनस में भेजे गए, क्योंकि उसी से आप मैपिंग कर सकते हैं, पूरा मैपिंग कर सकते हैं और डिटेल्ड मैपिंग कर सकते हैं। और मैपिंग करने से क्या क्या मिला हम लोग को? रिसोर्सेज का पता चला, कहाँ पर क्या है, ठीक है, कि कहाँ पर हमारा मिनरल्स है, कहाँ पर हमारा रिवर्स है, कहाँ पर हमारा फॉरेस्ट है, इन सब चीज़ का मैपिंग कर लिए। अब जब मैपिंग कर लिए तो बात आई कि अब इसको हम लोग को और डिटेल्ड में, मान लीजिए रात भर सर्विलेंस करना है, अब और क्लियर इमेज चाहिए, नाइट इमेज चाहिए, उसके लिए और हैवी सैटेलाइट्स हम बना रहे हैं। हैवी सैटेलाइट्स होगा तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे पेलोड्स होंगे, और होंगे तो उसके लिए हैवी इंजन चाहिए, तो उसके लिए जीएसएलवी मैक 3 बनाया गया। तब अब हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि अब
दुनिया भर का मैपिंग क्यों नहीं कर रहा इसरो, क्योंकि अभी तक इसरो के पास ऐसा लॉन्च व्हीकल ही नहीं था, जीएसएलवी से काम चला रहा था। अब जीएसएलवी मैक 3 का यूज़ करके वो भेज रहा है सैटेलाइट्स धीरे धीरे, हैवी सैटेलाइट्स। तो एक ही बार में वो ज़्यादातर सैटेलाइट्स को भेज देगा तो वो सब आपस में ये हो जाएंगे सैटेलाइट सही। हैवी ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट चाहिए तो एक बार में आप ज़्यादा को भेज कब पाएंगे, जब आपके पास हैवी इंजन होगा। आप बोल रहे हैं कि ठीक है 5,000 अभी स्टारलिंग का सैटेलाइट है ऊपर छत ऊपर स्पेस में, उस 5,000 से 12,000 करना है, तो वो एक बार में 1,000 सैटेलाइट्स अगर भेज दे तो उसका हो जाएगा काम, मतलब एक बार में, दो बार में, पाँच बार में भेज सकता है। बट अगर वही एक बार में उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता 4 का 5 का तो उसको कितना टाइम लग जाता। तो कोई भी आपको बड़ा जब लड़ाई करना है, मतलब बड़ा मिशन लॉन्च करना है या चलाना है, तो उसके लिए पहले आपको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। तो अभी जीएसएलवी मैक 3 से भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और बेटर हम बनाएंगे, इसीलिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है, उसके बाद हम लोग स्टारलिंक तक धीरे धीरे पहुँचेंगे। तो द थिंग इज़ कि ये सारे लॉन्च व्हीकल थे जिसमें से पीएसएलवी, जीएसएल, और ये इसमें इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ हुआ है, ठीक है, वो आत्मनिर्भर भारत की बात करेगा। ये एसएसएलवी, ये भी इंडिजिनस बनाया गया, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए ये भी हमारा डोमिनेंस के लिए एक अच्छा ये है पार्ट है। और बाकी ट्रेडिशनल पर्पस के लिए तो ये यूज़ हो रहा था। तो आज के टाइम में सुपर पावर बनने की दिशा में भारत कदम बढ़ा रहा है, और बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देख रहा है, और उतना ही पावरफुल और बाकी सबके कंपैरिजन में डेवलप्ड इंजिन्स भी बना रहा है। तो ये हो गया लॉन्च व्हीकल के बारे में, तो आप इसके बारे में एक बता दीजिए। फिर दूसरा आता है सैटेलाइट्स, फिर दूसरा आता है सैटेलाइट्स। अब क्या समझ में आ गया ये सबको? मैं किसी से पूछूंगा एसएसएलवी पीएसएलवी से भिन्न कैसे, ठीक है, और उनसे पूछूंगा जो कोई अभी तक नहीं पता, जैसे कि आप बताइए सर, आपसे पीछे। हाँ आप बताइए एसएसएलवी क्या है और ये क्यों अलग है बाकी से, और थोड़ा जोर से कि सुनाएंगे। एसएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अब ये अलग कैसे है, पीएसएलवी से कैसे अलग है? क्या है पहला क्वेश्चन, क्या एसएसएलवी से जियो सिंक्रोनस में भेजते हैं या पोलर ऑर्बिट में भेजते हैं? पोलर में भेजते हैं। किन सैटेलाइट्स को भेजते हैं? पोलर में भेजते हैं, ठीक है, किन सैटेलाइट्स को भेजा जाता है? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स जो हल्के हो, 500 किलो तक जो हो जाए, ठीक है, और कहाँ भेजा जाता है? तो 500 किलोमीटर के रेट में, 500 ही कीवर्ड है, 500 किलो तक का सैटेलाइट 500 किलोमीटर के उसमें ऑर्बिट में भेजा जाएगा, प्लेनर ऑर्बिट में, ठीक है। तो और ये कैसे अलग हुआ पीएसएलवी से? पीएसएलवी और एसएसएलवी दोनों पोलर ऑर्बिट में भेजता है, बट एसएसएलवी क्या करता है, जो ये सर ने बताया, क्या बताया, ये 72 घंटे के अंदर टर्न अराउंड टाइम है, मतलब 72 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाता है, और जबकि पीएसएलवी को वापस से रेडी करने में 2 से 2.5 महीना टाइम जाता है। तो ये आपका सस्ता है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और ये कम टर्न अराउंड टाइम में रेडी हो जाता है। और क्यों सस्ता है, ये भी आपके पास जवाब है, क्यों सस्ता है? फ्यूल के कारण, कौन सा फ्यूल इसमें यूज़ होता है? सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। तो एसएसएलवी क्यों सस्ता है? क्योंकि इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है, जबकि पीएसएलवी में सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक तीनों यूज़ होता है, और इसीलिए एसएसएलवी सस्ता है। लिक्विड यूज़ होता है, क्रायोजेनिक नहीं यूज़ होता है, क्रायोजेनिक जीएसएलवी में यूज़ होता है। तो ठीक बोली मैडम ने, बट फिर भी आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है, मैं अभी पीछे जाऊँगा देखूँगा, उसमें टाइम लगेगा, इट्स बेटर कि आप लोग देख लीजिएगा। फॉर नाउ हम लोग अभी यहीं पर रहेंगे कि एसएसएलवी में सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है और पीएसएलवी में सॉलिड लिक्विड यूज़ होता है, हो सकता है उसका बारे में चेक कर लीजिएगा। अब ठीक है सर, बैठ जाइए, थैंक यू। अब ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। अब आप लोग सोच के देखिए कि इसी पर आप लोग को कम से कम एक से, अगर आप एक एक लाइन भी लिखेंगे सब पर, तो 7-8 लाइन हो जाएगा, कम से कम 250-300 वर्ड्स हो गया इस पर,
ठीक है, आत्मनिर्भरता की ओर, सुपर पावर की ओर, लॉन्च व्हीकल, एक क्वेश्चन डायरेक्ट स्पेसिफिक, SSLV क्या आपका तैयार हुआ, लॉन्च व्हीकल्स कितने टाइप के वो तैयार हुआ, सेल्फ रिलायंस के बारे में क्वेश्चन पूछे तो तैयार हुआ, सुपर पावर के बारे में पूछे तो तैयार हुआ। टाइम के साथ, अगर समय के साथ गुजरे तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। अभी हाल ही में SSLV बनाया गया और GSLV Mark III 2017 में के आसपास आया है। और एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि इन सबसे जो प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स हैं उनके एग्जाम्पल की PSLV से कौन से जो भी हम लोग पढ़े हैं, जैसे ओशन सैट हुआ, ओशन सैट किससे लॉन्च, ओशन सैट का क्या काम है? ओशन सैट एक टाइप का आपका वाटर रिसोर्स को मैपिंग करने के लिए। तो अगर पूछा जाएगा कि ओशन सैट किस टाइप का सैटेलाइट है तो किस में गया होगा ये? हाँ, जियोसिंक्रोनस में गया होगा? नहीं, ये गया है PSLV की मदद से गया है। वेदर ओशन सैट को हम लोग PSLV की मदद से भेजे हैं, ठीक है। और ये ओशन सैट का काम होता है, बेटर अभी नहीं उस पर नहीं जाएंगे, ओशन सैट को PSLV की मदद से भेजा गया है। तो मेरा बोलने का मतलब है, कुछ एग्जांपल्स SSLV से कौन से सैटेलाइट भेजे गए हैं, GSLV से कौन से सैटेलाइट भेजे गए, ये सब का पता कर लीजिएगा एक दो। अब दूसरा चीज़ आते हैं, इस हो गया लॉन्च व्हीकल, दूसरा आता है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स सर आप एक बार, नहीं आपके पीछे, सैटेलाइट्स कितने टाइप्स के हम लोग देखे हैं, जो भी हल्का फुल्का आपको याद हो। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते जाइए, वेदर सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स टाइप का था हमारा कैटेगरी। और बताइए बाकी लोग, एक्सपेरिमेंटल वेदर सैटेलाइट सर स्पेसिफिक नहीं था, वो आपका आएगा, हाँ अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले में आएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स। और बताइए और क्या क्या था? तो फिर एक्सपेरिमेंटल हो गया ना, एक स्टूडेंट सेटेलाइट था वो जो लास्ट में है, ठीक है। और ना ना, एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट था बट वो नहीं लिखेंगे। और क्या था? रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट था, वो सब आ जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। वो सब यहीं पर रहेगा, नेविगेशन, एक्सपेरिमेंटल, ये स्टूडेंट सैटेलाइट, बताइए सर और क्या था? नहीं, इसरो ने जो क्लासिफिकेशन किया है ना उसमें एक स्टूडेंट सैटेलाइट करके अलग से भी डाल दिया, ये स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, हबल टेलीस्कोप लिख सकते हैं। वैसे अगर आपसे पूछेगा, पूछा जाएगा ना कि सैटेलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो क्रूड कैटेगरी नहीं है। बट अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, तो ये लिख देना है। नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, ये दोनों तो खास करके होना चाहिए। और कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, नेविगेशन, ठीक है। तो कुछ बोल रहे हैं? अब इन सबसे रिलेटेड एग्जांपल भी लिख देंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या है? सैटेलाइट्स का, सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट भेजा गया था कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में?
अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट, हाँ ठीक है। एक बार देख लेते हैं और उसके बाद इसको प्रॉपर इस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, और ये टू वे होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, नेविगेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल, स्मॉल स्टूडेंट। स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए SSLV आया, ठीक है। स्टूडेंट सैटेलाइट्स के लिए भी SSLV ही आप समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स APSLV की मदद से या SSLV की मदद से, जिससे भी। नेविगेशन सैटेलाइट्स ये हम लोग का ड्राइविंग और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ड्राइविंग के लिए। साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट में आपका एस्ट्रोनॉमिकल आ जाएगा, हबल टेलीस्कोप और ये सब जो है वो साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट में आएगा। साइंटिफिक में ही आपका क्या आएगा? मार्स ऑर्बिटर मिशन आएगा, चंद्रयान, आदित्य L1, हाँ वो भी। स्पेस स्टेशन भी इसी में आएगा, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी में आएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जिससे कि हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज़ करें। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए IRNSS, इंडियन रिमोट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सेंसिंग सिस्टम, जिसको कि नाविक के नाम से जाना जाता है, तो वो इसमें आता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए इनसैट, इनसैट है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ओशियन सैट, ठीक है, और रिसैट, ये दो नाम इसमें मैं बोल रहा हूँ। नेविगेशन सैटेलाइट के लिए IRNSS, GPS, ये सब में एग्जांपल्स हैं, तो वो आप लोग लिख लीजिए। इसीलिए बोल रहा था स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें हैं वो नोट डाउन करते चलना है। अब नेविगेशन था, एक बार देखते, नेवी कम्युनिकेशन ठीक है, हो गया। एक बार सर, एक बार आप उठ जाइए, हाँ एक बार बता दीजिए कि क्या कितने टाइप के सैटेलाइट्स हैं, कौन से हैं बता दीजिए एक बार। कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसका एग्जांपल, इनसैट, ठीक है, ठीक है, इनसैट उसका एक एग्जांपल है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्यों यूज़ होता है? ये बातचीत करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, ठीक है। इसी से हम लोग का ब्रॉडकास्टिंग होता है, मीडिया इसी से चलता है, पूरा का पूरा नेटवर्क, आपस नेटवर्किंग का जो भी काम चल रहा है, ब्रॉडबैंड हो, टेलीफोन हो, वो सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से चल रहा है। तो वो एक अलग हो गया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन, उसका एग्जाम्पल, हाँ वो भी है, और एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ कार्टोसैट भी है। कार्टोसैट उस चीज़ के लिए नहीं होता यार, कार्टोसैट शायद पोलर ऑर्बिट में है ना। लीव इट। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नाविक, आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ फिर भी आप लोगों ने, IRNSS और GPS, IRNSS और GPS दोनों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में आता है, इससे कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है भुवन ऐप के थ्रू, ठीक है। तो IRNSS और ये सब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में आता है, ये दूसरा मेन इम्पोर्टेंट। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आप बताइए सर। हाँ कम्युनिकेशन हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, और क्या क्या है? हाँ स्टूडेंट वाला है, ठीक है, और स्पेसक्राफ्ट, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, साइंस से रिलेटेड जो होगा, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो होगा, जो
जो चीज़ जिससे मंगल का पता है चले, जिससे चंद्र का पता चले, पदार्थों के बारे में पता चले, साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट हो गया, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन वो सब हो गया, उसके अलावा स्मॉल सैटेलाइट से कैटेगरी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारा देखें और इन सब में अपना नाम लिखते जाना है। एक्सपेरिमेंटल का जब बात आएगा तो आर्यभट्टा को मेंशन करना है, आपको पता और सामने वाले को लगेगा कि हाँ इसको पता है, और जब भी आर्यभट्टा भी पूछे तो भी एक्सपेरिमेंटल लिख देना है। दोनों चीज़ जो भी आप सीख के जा रहे हैं उससे उसको यूज़ करना है, तभी ये गेम क्या है पूरा मेंस का गेम, कि बाकियों की तुलना में आपको एक्स्ट्रा क्या आता है। और जितना यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ना उसका आप लोग 50% भी यूज़ कर लिए ना या दिमाग में स्टोर करके डाल दिए, बहुत है, बहुत अच्छा आंसर बनेगा, बट हो नहीं पाता है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपस में आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बात करेंगे या खुद बोल के पूरा लेक्चर को पढ़ेंगे। इतना ही कि स्पेस सेटेलाइट कितने टाइप का होता है, लॉन्च व्हीकल कितने टाइप का होता है, पेलोड क्या होता है, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स हर जगह पर डालिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं पूछूंगा, जैसे ये स्वयं, प्रथम, पी सेट, आज़ादी सेट, आज़ादी सेट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आज़ादी सेट क्या, किस टाइप का सैटेलाइट है, स्टूडेंट सैटेलाइट है जो कि इसी साल लॉन्च किया गया, इसमें डिटेल पढ़ लेना है अपने तरफ से भी। स्वयं, प्रथम, ये भी पुराना स्टूडेंट सैटेलाइट है, 2008-09 के टाइम का, ठीक है। हाँ, कलाम सेट भी है स्टूडेंट सैटेलाइट, सही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब सबका एग्जांपल आ गया, बैठ जाइए सर। तो सबका एग्जांपल हम लोग लिख लिए हैं। अब इसमें से बताइए, इन सब में जब आप देखे नाविक था नेविगेशन के लिए, या नाविक की मदद से यहाँ पे हम लोग ने भुवन बनाए, भुवन बनाए नेविगेशन के लिए, IRNSS का ही यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंटल में हम लोग इतने सारे सैटेलाइट्स का आप लोग आर्यभट्ट से चालू किए थे और कहाँ तक पहुँचे हैं अभी लेटेस्ट में, क्या नाम बोले, आज़ादी सेट, आर्यभट्ट से आज़ादी सेट तक बोले। स्टूडेंट हो, हाँ स्टूडेंट में आ जाएगा या एक्सपेरिमेंटल में भी आ जाएगा, वो उतना क्रूड डिफरेंस नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट वाला होगा तो क्या एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, होगा सैटेलाइट्स में। फिर ये स्मॉल सैटेलाइट्स का कैटेगरी हो गया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में क्या था एग्जांपल, इनसैट, तो अब आप ये बताइए कि जो सैटेलाइट्स में अगर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखेंगे और उसके एग्जांपल याद रखेंगे तो क्या हमारे पास सुपर पावर के लिए पॉइंट्स बनते हैं, इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स बनते हैं, बनते हैं, क्या बनते हैं, नाविक बना, नाविक एक इंडिजिनस था अपना, इंडिया ने बनाया, वो GPS से भिन्न है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, उसकी मदद से भुवन बनाया गया, भुवन एप्लीकेशन डेवलप किया गया, भुवन एप्लीकेशन बाकी भारत के विभागों के साथ मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैपिंग कर रहा है, ठीक है, उसकी मदद से अभी लो कॉस्ट नेविगेशन ऐप्स बनाए जा रहे हैं, उसकी मदद से बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स को हेल्प मिल पा रहा है, हाँ किया जा रहा है, वो भी इसी के थ्रू किया जा रहा है, भुवन के थ्रू किया जा रहा है। आज के दिन आज आप लोग जाइएगा, कुछ कुछ चीज़ें स्पेस से रिलेटेड सर्च कीजिएगा, भुवन का अपना खुद का वेबसाइट है, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने सारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ उसने कोलैबोरेशन करके क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, फिर रूरल डेवलपमेंट के साथ काम कर रहा है, फिर ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है,
ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके वो नया नया प्रोजेक्ट कर रहा है। ऊपर से आप भी भुवन ऐप पर खुद अपना इनपुट दे सकते हैं, अपना यहाँ का फोटो खींच करके उसको और बेटर बना सकते हैं। तो वो पूरा सिटीजन सेंट्रिक हो चुका है। हाँ, वो भी भुवन ऐप को रोप इन करके किया जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट गवर्नमेंट जो भी अभी स्कीम्स चला रही है ना, जिसमें भी डेटा अपलोड करने की बात हो रही है कि हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में आप रिपोर्ट दीजिए, सब भुवन ऐप के थ्रू हो रहा है। फॉरेस्ट सर्वे इस बार का वो भी भुवन ऐप के थ्रू हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो वो ये की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो जब आप एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट्स के बारे में सोचेंगे भी, तो आपको याद आएगा, अच्छा ये आर्यभट्ट 1975 से हम लोग चालू किए और आज आ गए हैं कलाम सैट से यहाँ तक आ गए, आज़ादी सैट तक आ गए हैं जैसा लॉन्च किया। तो बहुत सारे ऐसे वाइड कैटेगरीज हैं। फिर स्मॉल सेटेलाइट्स का ऐसा एक वाइड कैटेगरी है जिसमें खूब सारे सेटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं कम पेलोड वाले, जो कि इसको एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। ठीक है, तो इंडिजीनियस भी है, इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल्स भी है, इंडिजीनियस सेटेलाइट्स भी है। ठीक है, बाकी तो अपना तीसरा फिर लॉन्चर्स, लॉन्च स्टेशंस के बारे में भी लिख दीजिएगा, दोनों के बारे में बता ही दिए हैं कि SHAR नाम भी लिख देंगे ना, कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, उसके बारे में लिख देंगे। प्लस उसके बारे में क्या था पहला, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, वो भी था। तो वो सब के बारे में क्या, हमारा अपना खुद का लॉन्चिंग पैड्स है, जहाँ पर कि हम लोग अपने लॉन्च व्हीकल्स को असेंबल करते हैं, वहाँ पर डेवलप करते हैं, इंडिजिनसली डेवलप करते हैं, फिर उन सभी को इंटीग्रेट करते हैं, और उन सब के मदद से हम लोग के लॉन्च पैड्स हैं। लॉन्च पैड्स में नहीं बता पाया, वो देख लेना है कि कौन से कहाँ से रेगुलर हमारा PSLV GSLV लॉन्च होता है। ठीक है, तो इन सब की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया सुपर पावर की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि बन चुका है। और फिर अगले क्लास में जो हम लोग इसका रियल एप्लीकेशन देखेंगे चंद्रयान के फॉर्म में और Aditya L1 के फॉर्म में, तो उस टाइम पर ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये PSLV से लॉन्च क्यों हो रहा है, GSLV से होना चाहिए। ये इसीलिए आज क्लास आपका बेसिक्स था, बट आई होप कि आपको इससे एक एक आध आप इस पर एक आंसर जरूर ट्राई कीजिए। इस पर अगले क्लास में आंसर लिख के लाइएगा, ताकि मैं उसको आपको हाथों हाथ करेक्ट करके भी दे दूँ। ठीक है, और फिर हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन पे जाएंगे, जो अभी करंट मिशंस हैं उस पर डिटेल में जाएंगे। 5-6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्लास के एंड तक में हो सकता है वो आपके साथ शेयर कर दें। तो ठीक है, फिर एंड करें इसको। चैलेंजेस में, चैलेंजेस में हमारा कोलेब्रेशन का इशू है, फंडिंग है पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। हाँ, हम लोग अभी अभी इसरो का अगर आप वेबसाइट खोलेंगे, तो टाइम टाइम पे सिटीजन को पार्टिसिपेट करवाने के लिए बहुत सारा सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है, कि आप भी 2 महीने का कोर्स कर लीजिए, तो आपको आपको हो सकता है वहाँ पर लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड आपको एक लाइसेंस एक सर्टिफिकेशन मिल जाए, कि आप 6 महीने का इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप वहाँ पे कीजिए, अब फिर अपना स्टार्टअप आके कीजिए। तो वो अभी स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है इस फील्ड में। तो चैलेंजेस ये है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। तीसरा कि स्टार्टअप्स इस फील्ड में, हाँ इस फील्ड में जाने के लिए अभी बहुत डरी हुई है, क्योंकि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। एक पॉलिसी आया है, पता है ना, न्यू स्पेस पॉलिसी अभी आया है 2022 का, वो भी हम लोग इस क्लास में अगले क्लास में कवर करेंगे। तो उसी में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, और जो एक्सपेरिमेंट्स और जो यूनिवर्सिटीज़ को रोप इन करने की बात आ रही है, वो सब है उसमें। तो चैलेंजेस एक तो ये है, फिर चौथा है कि यूनिवर्सिटीज़ कोलेब्रेशन बेसिकली आज आज के टाइम में इंडिया में खास करके देखा जाता है, स्पेस के सेक्टर में कुछ भी होता है तो इसरो इसरो इसरो, ना ही कोई यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है, ना ही कोई NGOs का नाम आता है, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है। तो वो सब आपके चैलेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते 4-5 चैलेंज आप गिना दीजिए बस, वो हम लोग आने वाले क्लास में देख लेंगे। और जो पॉलिसी हम लोग डिस्कस करेंगे ना,
उसमें इन सारे एस्पेक्ट्स है बात। ओके तो ऑन दैट नोट हम क्लास को एंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में फिर देख मिलते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन जो